ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਪਾਇਲ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ जो कि जल्द ही हम पंजाबी इंडस्ट्री भी छा जाएंगे। वेलकम टू वाइट हिल स्टूडियोज पायल जी। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल सारियां नू। मेरा नाम पायल राजपूत है तो मैं बहुत चंगा लग रहा है तो बैठ के तुहाडे कोल गल्लां करके। थैंक यू पायल जी। एक्टिंग तुसीं एंटर कीता, इहदे पिछे दी जर्नी बारे सानू दसो। I think it's been 5 or 6 years I have been in this industry। मैंने बचपन तो ही ना एक एक्टिंग करने का बहुत शौक था। मैं अपनी फेवरेट सी शुरू तो क्लास विच की होंदा सी कि लोग बैठे होते थे और मैं अपना अलग ही एक वर्ल्ड में होती थी। तो मेरी मम्मा ने एक दिन ऑब्जर्व किया एंड शी वाज लाइक व्हाट यू वांट टू बिकम। मैंने कहा मम्मा मैं पढ़ाई वढ़ाई छड्डो, मैंने ना एक एक्ट्रेस बनना है, टीवी तो आना है। मैं देखो आई एम सो ब्यूटीफुल आई शुड कम ऑन टीवी। एंड मम्मा वाज लाइक ओ माय गॉड। तो मैंने लगता है कि बचपन से वो शौक है जो अब निकल के आ रहा है। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਇੰਨੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਟੂ ਬੀ ਫ੍ਰੈਂਕ ਨੋ, ਆਈ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਈ ਸੀ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਬੈਠਦੀ ਸੀ ਔਰ हाँ मतलब जब मैं स्कूल टाइम था दैट वाज लाइक वेरी बहुत कम बोलना, लोगों से ज़्यादा बात ना करना, अपने में रहना। बट हाँ व्हेन आई एंटर्ड इन कॉलेज लाइफ वहाँ से यू नो आई पिक्ड अप, I started participating in events, then theaters and everything. वहाँ से I got that smartness, and I've become like this very spontaneous. Yeah. तो सी टीवी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा काम किया है। थोड़ा इधर बारे सानु दसो। I think TV में I have started my career from television for last I think I did 3 serials. Last was Mahakumon Life Okay. तो टीवी से मैं ये कहूँगी TV is always my love. Thanks a lot to all the people who have seen me on television. मैंने बहुत प्यार दिता टेलीविजन पे। मैंने बहुत कुछ सीखा जस्ट लाइक अ बेबी, एक बच्चा कैसे सीखता है। तो आई हैव लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम माई टेलीविजन। तो मैंने लगता है कि बहुत सारे डायरेक्टर्स मेरी लाइफ पे आए, उन्होंने मैंने बहुत सिखाया तां करके मैं इतने बैठी हाँ, इतनी बड़ी मूवी कर रही हूँ मैं। तो या फील्स ग्रेट। चन्ना मेरा ना तुसी डेब्यू कर रहे हो जो कि 14 जुलाई में रिलीज़ हो रही है। थोड़ा इतना लगता है चन्ना मेरा एक टर्निंग पॉइंट है थोड़ी लाइफ? बहुत बड़ा मैंने लगता है कि आई एम रियली ब्लैसड। आई रियली थैंक वाहेगुरू जी कि उन्होंने मैंने इन्ना बड़ा मौका दिता। वाइट हिल्स जी स्टूडियोज रियली थैंकफुल टू दैम कि उन्होंने उनको लगा कि आई हैव दैट कैलिबर कि आई कैन प्ले दिस रोल बिकॉज दिस रोल इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर मी एज दिस इज़ अ ऑफिशियल रीमेक ऑफ सेराट। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतने हैं। तो मैंने लगता है कि उन्होंने मुझे चूज़ किया कुछ सोच के किया। That's why I consider myself really blessed कि I'm doing such a great movie and such a great character. तुसी अमृत जी ते निंजा जी नाल काम कर रहे हो दे, थोड़ी अपनी इक्वेशन बारे दसो सानू। सारे सेट ते बहुत अच्छे हैं। I'm entering into Punjabi cinema. Everyone is giving me so much of love and that love is selfless to be very frank. मैं बॉलीवुड ते सीरियल विच काम कर चुकी हाँ। तो आई कैन फील द डिफरेंस जो यहाँ के लोग हैं तो जो मुंबई के लोग हैं। यहाँ जो तुहानू प्यार मिलता है ना वो सेल्फलैस होता है कहीं ना कहीं। तो आई एम रियली इंजॉइंग। और जहाँ तक मेरी इक्वेशन है निंजा ते अमृत नाल, वो भी बहुत क्यूट जी है। मतलब दे बोथ आर रियली डाउन टू अर्थ, दे बोथ आर वेरी फेमस सिंगर्स। आई हैव हर्ड अबाउट देम। मुझे लगता है कि दोनों बहुत हम्बल हैं, दोनों बहुत डाउन टू अर्थ हैं। तो मैंने बहुत सपोर्ट किया दोनों ने। मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी फ्लूएंट नहीं है, माई पंजाबी इज़ नॉट दैट फ्लूएंट, बट येस जिन्ना भी मैं उसे सीखा निंजा एंड अमृत मान आई रियली वांट टू थैंक देम। एक्टिंग तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम बिकॉज आई लव एक्टिंग, दैट इज़ माई पैशन। बट येस तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। मैंने लगता है वो दूसरी मूवी तक तीसरी मूवी तक ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इनफैक्ट तुम हुणे भी पंजाबी बहुत सोहनी बोल रहे हो। क्यूट जी। चन्ना मेरेया जो कि 14 जुलाई में रिलीज़ हो रही है, हुण इहदे सारे गाने ने सुपर हिट हो रहे हैं ऑलरेडी। तो थोड़ा केड़ा फेवरेट गाना? ऑल सॉन्ग्स आर रियली ब्यूटीफुल और निंजा ने बहुत बढ़िया गाए हैं गाने। ही इज़ अ ग्रेट सिंगर। इनफैक्ट मैं भी आई एम हिज बिग फैन। आई हर्ड आदत, आई हर्ड ओ क्यों नहीं जान सके। असी शूट कर रहे सी उत्थे डेलहौजी जब वो सॉन्ग रिलीज़ होया तो मैं निंजा तो कहा कि यार व्हाट इज़ दिस, आई मीन दिस इज़ इट, आई लव दिस सॉन्ग, मेरे को गाओ, मेरे लिए गाओ। एंड ही यूज्ड टू सिंग आल्सो। तो मैंने लगता है वो मेरा फेवरेट सॉन्ग रहा। वो क्यों नहीं जान सके ते इफ आई टॉक अबाउट माई मूवी देन ऑल सॉन्ग्स आर माई फेवरेट बट द फेवरेट वन टुटदा ही जावे या दो लाइनें फिर तुसी गाओगे साडे फैंस लई यार आई कैन नॉट सिंग आप लोग भाग जाएंगे अगर मैं गाऊंगी नहीं प्लीज इतना नहीं होगा तुसी प्लीज बाथरूम में चिल्ला चिल्ला के गाती हूँ माय मॉम नॉक्स द डोर हेलो क्वाइट तो आप लोग मुझे इंसिस्ट कर रहे हो गाने के लिए आर यू गाइज श्योर यू वांट टू लिसन टू मी यस आई एम श्योर एवरीबॉडी आई कैन नॉट सिंग तुसी अपने फैंस लिए गा दो मेरे फैंस मुझे बहुत प्यार करते हैं तुसी मैनू बहुत प्यार दिता मैं न्यू हाँ इंडस्ट्री ता करके भी तुसी मैनू बहुत प्यार कर रहे हो एवरी डे आई एम रीडिंग मैसेजेस ऑन इंस्टा फेसबुक ते स्नैपचैट बहुत आई एम लोडेड विद लव थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच चन्ना मैं मनावा और सदा ही जावे कहना मैं चावा ओ ना रुलावे जिना ज़्यादा इश्क करा मैं दिल मेरा किवे समझावे निंजा डुबदा ही जावे बस तुसी बहुत सोना गाया नहीं आई नो शी इज लाइंग नहीं आई एम नॉट लाइंग सीरियसली यू सो वेल या ते हुन जान तो पहला फैंस लई कोई मैसेज मैं बस इन्ना ही कहना चाहनी है शॉर्ट एंड सिंपल कि डेब्यू कर रही है मैं चन्ना मेरेया तो जो कि 14 जुलाई में आ रही है बहुत सोहनी मूवी है इफ़ यू हैव एवर लव्ड डोंट लाई कि आपने किसी से प्यार नहीं किया आई एम श्योर सबकी लाइफ में कोई ना कोई बहुत खास होता है बहुत यू नो बहुत क्लोज होता है आई एम श्योर तो इफ़ यू हैव एवर लव्ड डीपली स्ट्रांगली एंड मैडली देन चन्ना मेरेया इज़ अ मस्ट वॉच गाइज डू वॉच इट एंड आई एम टेलिंग यू दिस लव स्टोरी विल लीव यू इन टीयर्स मैं अभी तक इस लव से इस इमोशन से आई एम नॉट एबल टू कम आउट दिस इज सो ब्यूटिफुल फीलिंग चन्ना मेरेया लव यू थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एट वाइट हिल स्टूडियोज पायल जी चन्ना मेरेया इज ऑल सेट टू रिलीज ऑन 14 जुलाई तो तुसी हुने ही अपने कैलेंडर्स मार्क कर लो एंड डू कीप योरसेल्व्स फ्री ऑन द 14th